नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके ही चैनल चर्चा में स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना MB डाटा बहुत सारी फालतू वीडियो भी देख के वेस्ट करते होंगे, लेकिन यह वीडियो आपकी लाइफ आज चेंज कर देगा। बस आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना और फिर सोचना, विचार करना और फिर देखना कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप कितना भी पढ़ाई पढ़ लो, आज के टाइम पे BA, ग्रेजुएट, BEd करके लोग घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आप 20,000, 25,000, 30,000 नॉर्मल है कि आप आराम से घर बैठे भी कमा सकते हैं या आप जॉब भी कर सकते हैं कंपनियों में। कैसे कर सकते हैं, आप बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबको पता है कि बहुत सारे जो भोजपुरी सिंगर हैं, जो हिंदी सिंगर हैं, जो सिंगिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम कुछ जॉब भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं। होता क्या है, अगर आप सिंगिंग करते हो तो आपको ऐसा काम चाहिए जो म्यूजिक से रिलेटेड हो, या किसी स्टूडियो में आप काम करें या किसी म्यूजिक कंपनी में आप काम करें, ताकि आप 24 आवर्स सिर्फ संगीत में ही रहें, संगीत में ही जिएं, संगीत को सुनें। संगीत में अगर आप 24 घंटे रहेंगे तो आपकी सिंगिंग भी अच्छी होती जाएगी, सिंगिंग के बारे में आपको नॉलेज भी अच्छा होता जाएगा। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे सिंगर लोग हैं क्या करते हैं, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पैसे खर्चे करते हैं, कोई सक्सेस नहीं मिलती है और वो दूसरे सेक्टर में जॉब करते रहते हैं। धीरे धीरे उनका मन और मनोबल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे सेक्टर में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ उन्हें उस टाइप का माहौल नहीं मिलता और वो सिंगिंग से दूर हो जाते हैं, उनके गाने हिट नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे जो गाने यूट्यूब में आते हैं बनके, वो गाने कैसे बनते हैं, कैसे एडिट होते हैं, कैसे उसका CC होता है, कलर करेक्शन, कैसे उसकी कटिंग होती है, कैसे उसमें इफ़ेक्ट लगते हैं, कैसे उसका DI किया जाता है, कैसे उसमें जो शूटिंग के टाइम पे वॉइस चालू करके उसमें शूटिंग लिपसिंग की जाती है, बाद में उसको कैसे हटा के ओरिजिनल जो सॉन्ग होता है उसको लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक है। क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर आप एडिटिंग, मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप एडिटिंग सीख लेते हैं, बहुत तरीके की एडिटिंग होती है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि आप ADS में कर सकते हैं, FCP फाइनल कट प्रो में कर सकते हैं, प्रीमियर भी आता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। आप अगर एक एडिटर बन जाते हैं तो किसी भी म्यूजिक कंपनी में आपको 18,000 से 20,000 की जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी शहर, किसी भी सिटी से, तो आप अपने घर में ही रह के पार्ट टाइम या फुल टाइम अगर आप जॉब करते हैं एज ए एडिटर, तो भी आप डेली के 1,000 से 1,200, 1,800 कमा सकते हैं। पूछिए कैसे? आपको मैं एग्जांपल देता हूं भोजपुरी गानों में, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं ज़्यादा भोजपुरी सिंगर लोग हैं। अगर आप घर में एक सिस्टम रख लेते हैं और आप एक एडिटर बन जाते हैं, तो आपको क्या है कि कुछ लोग एक गाने का चार्ज करते हैं 250, कुछ लोग 300, कुछ लोग 400, कुछ लोग 500। जिसके पास जैसा टैलेंट है, कुछ लोग FCP Apple वगैरह में करते हैं, कुछ लोग ADS में करते हैं, क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप एक एडिटर बन जाते हैं तो होगा क्या, आप सिंगिंग तो कर ही रहे हैं, सिंगिंग के साथ साथ आप जब गाने एडिट करेंगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा संगीत के बारे में, बीट के बारे में, अपने गाने खुद भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, वहां से अपना ऑडियो वीडियो करेंगे, पहचान बन जाएगी, दोस्ती बन जाएगी, वहां सेटिंग हो जाएगी आपकी, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर सकते हैं अपना म्यूजिक का। ऐसे तो आप लाखों रुपये लगाते रह जाओ, कमा नहीं पाओगे। अब रही बात कि एडिटिंग कैसे सीखें। दोस्तों, एक कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार से खींच के प्रकाश में लाता है वही गुरु कहलाता है। वो पान टपरी वाला चीज़ नहीं है कि गुरु जरा पान लगाना, गुरु जरा ये बताना, गुरु जरा ये बताना। गुरु का अर्थ बहुत बड़ा होता है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएंगे, एडिटिंग सीखिए 10 मिनट में 20 मिनट में 15 दिन में 20 दिन में, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आपको एक अच्छा एडिटर बनना है, आप देख लो जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, अगर आपको
अच्छी एडिटिंग आती है, हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है, जैसे कि द ललन टॉप वगैरह में, वहाँ पे 35-35, 40-40, 55-55 हज़ार तक पेमेंट मिलती है। अगर आपको एडिट के साथ साथ थोड़ा सा फोटोशॉप का भी नॉलेज है तो आप ही सोचो, यहाँ ग्रेजुएशन करके लोग पड़े हुए हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, आप सिर्फ एक कोर्स करके, एडिटिंग का कोर्स करके, हल्का सा फोटोशॉप का नॉलेज लेके 25-30-40-50 भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भाई को एडिटिंग का कोर्स करना है, आपको बता दूं कि आप एक एल्बम करते हैं अगर 8 गाने का, तो भी कंपनी आपसे 70-80 हज़ार रुपये मांग लेती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 30 हज़ार रुपये में, ओनली 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये में आप एडिटिंग का कोर्स सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, ओनली 30,000 रुपये में एडिटिंग का, और आप 2 महीने में ये हुनर अपने हाथ में लेके, घर में एक सिस्टम रख के, आप आराम से, जितने भी भोजपुरी के बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे हैं, वो लोग गाने शूट करते हैं लेकिन उनके पास इतने गाने होते हैं कि एडिट करने के लिए दूसरों को दे देते हैं। आप ही सोचिए, अगर आप 24 घंटे में घर में बैठे हैं, अगर 5 गाने भी एडिट करते हैं, मैं बहुत कम लगा रहा हूँ, 200 रुपये लगा लो, 2×5=10, तो 1,000 रुपये होते हैं, महीने में 30,000 रुपये होते हैं। आप ही सोचो, 30,000 रुपये आप लगा के ये कोर्स सीख रहे हो और आप एक ही महीने में 30,000 रुपये कमा ले रहे हो, साथ में आपके हाथ में एक टैलेंट आ गया, रोजगार आ गया, आप कहीं भी हैं, चाहे आप बिहार में हैं, यूपी किसी गांव में हैं, आजकल 4G हो गया, वाईफाई हो गया, लगवा लो, दिल्ली से किसी डायरेक्टर से काम स्टार्ट कर दो, यूपी के बहुत सारे डायरेक्टर हैं भोजपुरी में, आप उनसे संपर्क करो, और कोई वो 300 की कोई लेता है उनसे, आप बिजनेस चालू करो, भैया मैं आपका 250 में कर दूंगा, आप वो वाईफाई से ही अपना डाटा रॉ भेज देंगे, आप गांव से एडिट करके भेज दो, अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं, और आप जब इसी लाइन से जुड़े रहेंगे तो बहुत ही आराम से आप संगीत क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30,000 में आप एडिटिंग सीख सकते हैं। ये आपको एडिटिंग सीखने का कोर्स जो है दिल्ली में पांडव नगर गणेश नगर में सिखाया जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वो एडिटिंग आपको सिखाएंगे। आप अगर मिलना चाहते हैं तो मैं आपको मिलवा सकता हूं, आप एडिटिंग सीखिए। दिल्ली में जो है उसके लिए 30,000 है, लेकिन जो दिल्ली के बाहर आदमी है वो आके सीखना चाहता है उसके लिए 40,000 है। क्यों 40,000 है ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे भैया दिल्ली वालों के लिए 30,000 और बाहर वालों के लिए 40,000, वो इसलिए, वो बाहर से आएंगे ना, उनके पास रहने की जगह होगी ना खाने का जगह होगा। आप अगर कहीं से आते हो दिल्ली जैसे शहर में एक रूम लेते हो तो 5,000 का तो आपको रूम ही मिलेगा, कम से कम सिंगल रूम 5,000 से कम मिलेगा ही नहीं, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, लक्ष्मी नगर पांडव नगर, और खाना पीना खाएंगे 3,000-4,000, तो आपको देखा जाए तो आप 40,000 नहीं दे रहे हो, आपको वो पड़ रहा है 30,000। 10,000 में 2 महीने आपको रहने की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक टैलेंट आपको मिल रहा है, हुनर मिल रहा है। आप सोचिए, विचार करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर करिए। आप देख लीजिए, वेव कंपनी हो गई, म्यूजिक कंपनी भोजपुरी, टीएफ हो गई, संजीवनी हो गई, आरसीएम हो गई, लोटस हो गई, बहुत कंपनियां हैं, उन सबको एडिटर की जरूरत पड़ती रहती है, और उनके पास बहुत सारे एडिटर हैं, बहुत सारी कंपनियां, उनके पास काली हाथी के दांत हैं दिखाने वाले, और उनके पास 150-200 चैनल है, म्यूजिक चैनल आप देखेंगे ना, या आप घुसेंगे पता चलेगा, उन लोगों के पास 150-200 चैनल हैं जो कि काम करते हैं, उसमें उन्हें स्टाफ की जरूरत रहती है। तो आप अगर एक अच्छा प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हैं तो आइए और हमसे जुड़ जाइए। अगर यह वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो तो फिर मेरी ही गलती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, तो आप कॉल करके चर्चा टीम में अपनी राय बता सकते हैं, और जो भी आपके मन में दिक्कत हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।